दो शून्य की बढ़त टीम इंडिया के पास है। ये तीन मैचों की श्रृंखला जिसका तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला यहाँ पल्लिकेले में खेला जाएगा। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है श्रीलंका ने। प्लेइंग 11 के बारे में बात कर रहे थे और ये है वो चार बदलाव। साफ नजर आता है टीम किस तरह सोच रही है। टीम जो जीती हुई है वो मौके देने को देख रही है और श्रीलंकाई टीम जो ढूंढ रही है कि किस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बनाए। और पहली गेंद इस मुकाबले की सामने है यशस्वी जायसवाल। थोड़ा सा गेंद में पड़ने के बाद कांटा बदला था वहां। थोड़ा सा ऐसा लगा जैसे जोर लगाने की कोशिश की गई है वहां। ये है यशस्वी जायसवाल। कहीं भी मामला है ये, बिल्कुल कहीं भी मामला लिया है रिव्यू। कोलकाता कैपिटल प्रोविंस डिसीजन रिजल्ट पिचिंग आउट साइड ऑफ इफेक्टिव लाइन विकेट हिटिंग जॉन स्पिन डाउन विद एन इफेक्टिव सिग्नल। विकेट तो दवाई आपने रिव्यू भी करवा दिया। यशस्वी 10 रन बना के आउट हुए 11 पे। संजू सैमसन क्रीज पे आए यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद। कौन सा था खेल के नाम और मनिंदु हसरंगा गलती नहीं करेंगे। इनको पहला विकेट मिला है। विंदु सिंह को प्रमोट किया गया। 174 का स्ट्राइक रेट है इनका। ये देखिए फंस गए ना यहाँ पे फंस गए। सूर्य कुमार किस पे खेल रहे इस मैच में, आमतौर पे इससे ज्यादा ऊपर बल्लेबाजी करने आते हैं। बढ़िया शॉट यहाँ पे, क्या इतनी आसानी से घूमते हैं ये। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, पैर छूने आए उसको जरूर आशीर्वाद दीजिए। ये शॉट पसंद है पर इस बार फील्डर ढूंढ लिया है। ये ट्रेड मार्क सूर्या बादा शॉट भी नहीं चला है। 30 पर 4 12 सूर्य कुमार यादव ने बनाए महजाब। शुभम दूबे आए हैं। 136 का स्ट्राइक रेट है, 31 का एवरेज, 435 रन अब तक T20 इंटरनेशनल करियर में। चलिए उसको जारी रखेंगे। बढ़िया फील्डिंग पथिराना तेज गेंदबाज। यहाँ पे इंजरी वो भी पाथी राणा अब तक एक भी ओवर नहीं डाले थे। वो देखिए चौका तो उतर आ रहा इस बार गैप में धकेला और बढ़िया फील्डिंग भी। आज हसरंगा साहब छाए हुए हैं फील्ड में। और क्या ये चांस बन रहा है? चांस बन गया। रमेश मेंडिस की विकेट पर क्या विकेट कीपिंग है दूसर मेंडिस की। पूरा भारत का भारतीय ये चौका मिलेगा। इसी बीच करारा शॉट मारा शुभमन गिल ने। बाई क्लास ऑफ शुभमन गिल। फुल टॉस और फुल टॉस का कुछ ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही कुछ किया है रियान प्रदाग ने। फिर से करारा शॉट भाई। अगर पहला वाला मजेदार था तो ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार। गेंद ये थोड़ा सा रचनात्मक शॉट खेला है देखना होगा। जी बिल्कुल चौका मिलेगा यहाँ पे। लीजिए बात ही हो रही थी अभी। नजर लग गई इनकी बल्लेबाजी को। बिल्कुल छकाया फ्लाइट में। अभी आपने जिक्र किया मुश्किल पे और उस पर स्टंप करा दिया है शुभमन गिल। सेट बल्लेबाज शुभमन गिल ने बनाए 39-102 पे थे भारत। जी नहीं है पिच अलग, गति नहीं इस पिच में। और एक और विकेट खोया भारत ने हसरंगा। आप तो रियान प्रदाग को कोशिश ये करनी चाहिए कि अंत तक खड़े रहे आप। 105 के साथ रियान ने बनाए 26।
दिक्कत की बात यह है कि दो नए आए हुए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज में मौजूद हैं। भाई वाह क्या शॉट खेला भाई बिश्नोई ने, इनको हल्के में ना लीजिएगा। अभी आप चौके देखिए यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर पे आप भरोसा जिता सकते हैं। आखिरी गेंद और आखिरी गेंद रन आउट हो गए मोहम्मद सिराज, निशाना बिल्कुल सटीक था, रन आउट हुए यहाँ पे मोहम्मद सिराज। 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 137 रन 9 विकेट के नुकसान पे बनाए हैं भारत ने यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए। और आज का मैच 20 ओवर किस तरह से घटे एक नजर उस पर भी डालते हैं। अच्छा मौका है श्रीलंका के पास से ये मैच जीतने का, मजा आएगा ये मुकाबला देख के। 20 ओवर 138 रन चाहिए श्रीलंका को ये मुकाबला जीतने के लिए। लक्ष्य है श्रीलंका के सामने 138 रनों का, रिक्वायर्ड रेट है 6.85 का। खलील अहमद की पहली गेंद ऑन द स्टंप्स, कंसिस्टेंट भी रहे देखो किस तरीके से, जैसे ही उन्हें गति मिली बहुत अच्छी तरीके से दिशा दिखाई। पहली ओवर खलील की, उसमें आए दो रन, अभी दूसरी ओवर मोहम्मद सिराज। और ये क्या शुरुआत रही है मोहम्मद सिराज की, भाई शुरुआत हो तो ऐसी। और वन में वैसे तैयारी चाहिए, इस बार आला शॉट फिर से मिडल ऑफ द बैट तो नहीं लगी है पर शायद चौका चला जाएगा। जी हाँ, वॉशिंगटन सुंदर के वहां पर नहीं आया पहला चौका श्रीलंका। इसे आइए सही शॉट है, अच्छा टाइमिंग इस बार श्रीलंका का। अच्छा कट किया है बेहतरीन ओवर श्रीलंका के लिए, बंदर है ये रचनात्मक शॉट खेला है ने। ओ लीजिए ये क्या कर दिया, ओहो खिलाड़ी भूल भी करता है कई बार, लेकिन वक्त जब चल ही ऐसा रहा हो ना तो आपके हाथ से ऐसे भूल होने चली जाती है। बहुत बढ़िया ढंग से स्वीट शॉट खेला है, बहुत बढ़िया ढंग से। और तकलीफ में ये एक चीज आपको लेंथ चेंज करनी पड़ती है, जोड़ दीजिए तकलीफ में पड़ती चली जा रही है। सीधा एक और चूक हो गई है पहले गेंदबाज से और दूसरा आई ये करना पड़ेगा विकेट कीपर से भी। ये देखिए कहां थी गेंद की लाइन, क्या थी गेंद की रफ्तार और आपको सफलता मिल गई, पहली विकेट मिली है यहां बिश्नोई को। खराब गेंदबाजी तीसरा से भटके जिसके चलते बल्लेबाज को कुछ नहीं करना पड़ा। इसी बीच गया पे धकेला है दंडनाता हुआ चौका, फेस खोला है और चौका आएगा। आउटफील्ड तो तेज है, अगली बार विकेट मिलनी चाहिए। इतना सोचना पड़ा तो रिव्यू लेगा बल्लेबाज। और कैप्टन कमिंग अप और दिस इज आउट पिचिंग ऑन सेट ऑफ कैप्टन लाइन विद द सीटिंग विद द सिग्नल। विकेट मिल सकती है यहां पे और कमाल का कैच, कमाल का कैच है रवि बिश्नोई। मिल गई विकेट आते सही, हैट्रिक पे आ गए हैं वॉशिंगटन सुंदर। ये लीजिए दिक्कत देगी, देगी दिक्कत। आहा भाई वाह रिंकू सिंह मजा आ गया, कमाल कर दिया रिंकू सिंह आपने, बड़ा शॉट खेला है और फील्डर मिल गया
विकेट की मांग की थी हमने और रिंकू सिंह को एक और विकेट मिल गई। शुरुआत बढ़िया हुई है भाई। अच्छा शॉट सीधा रिंकू सिंह के पास। शॉट अपील। कहीं ये वाइड से बचने की ये तो नहीं थी अपील। रिव्यू लिया है एक ही रन मिलना चाहिए यहाँ आखिरी गेम चार रन और रन आउट। रन आउट अपनी तरफ मारना था। अरे अपने एंड पे मारना था आपने। आखिरी गेम तीन रन चाहिए और ये चले सूर्य कुमार यादव तैयार रहिए सभी खिलाड़ी। दूसरे की मांग है थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। शुभमन गिल सूर्य कुमार यादव गलत तरफ फेंक दिया थ्रो आपने और ये मैच हो गया टाई। 137 रन भारत ने बनाए थे। गिल ने रन बनाए ध्यान के 26 25 वॉशिंगटन के तीन विकेट की क्षमता मिली और उसके जवाब में श्रीलंका ने भी 137 ही रन बनाया अपने 30 ओवर में। मैच अब पहुंच गया है सुपर ओवर में। सामने मेंडिस और परेरा की जोड़ी रही है श्रीलंका के लिए जो आई है बल्लेबाजी करने। अरे ये वाइड बड़ा हिट खेला है फील्डर को ढूंढ लिया इसीलिए कह रहे थे कि थोड़ा थके हुए नजर आ रहे थे। परेरा विकेट मिल गई वॉशिंगटन सुंदर को। बिना कुछ बना के वापस जाएंगे पीछे फील्डर है और ये पारी रहा समाप्त। तीन रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वॉशिंगटन सुंदर आपकी गेंदबाजी अति सुंदर। मैच सुपर ओवर में पहुंचा है और अब सुपर ओवर में ये मैच जीतने के लिए सिर्फ तीन रन बनाने हैं। चलिए हो गया काम जीत गई ये मुकाबला। पहली गेम पे ये मैच जीत गई श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। साफ कर दिया यहाँ श्रीलंका टीम को। चेहरे पे वो भावनाएं साफ बताती हुई कि हाथ लगी सिर्फ निराशा।